कोई दीपिका पादुकोण की नाक काटना चाहता है तो कोई सर। संजय लीला भंसाली के पुतले और फिल्म के पोस्टर्स तो जलाए ही जा रहे हैं। अब कुछ लोग दीपिका को भी जिंदा जला देना चाहते हैं। उनका कहना है कि जरा दीपिका भी तो जाने कि जौहर यानी कि जिंदा जलने पर कैसा महसूस होता है। इन सब के बाद फिल्म की रिलीज तो टाल ही दी गई है। अब फिल्म से जुड़े सितारों और उनके परिवारों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। दीपिका के बेंगलुरु स्थित घर पर भी पुलिस लगा दी गई है। भंसाली को भी सुरक्षा करवाई गई है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें ना सिर्फ इस फिल्म से जुड़े सितारे बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री चीख चीख कर ये कह चुकी है कि फिल्म में पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कोई भी सीन नहीं फिल्माया गया है। एक बार फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बॉलीवुड के कई सितारों ने इस विवाद को दुखद बताया है और कहा है कि ये अजीब है, हम अपने ही देश में सिक्योर नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर आमिर खान और शाहरुख खान दोनों ने दीपिका से फ़ोन पर बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो उनके साथ खड़े हैं। ये भी कहा है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनके साथ स्टैंड लेंगे। वहीं एक तरफ रौनित रॉय के भाई रोहित रॉय ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि पहली बार मैं इस बात को लेकर दुखी, निराश और क्रोधित हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ और मैं भारत में रह रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा कहूँगा। वास्तव में ये बेहद दुखद है। जय हिंद। वैसे तो अब तक रणवीर सिंह इस विवाद पर कुछ नहीं बोले थे, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं 200% इस फिल्म के साथ खड़ा हूँ। मैं संजय लीला भंसाली के भी साथ वैसे ही खड़ा हूँ। मैं फिल्म के लिए भंसाली विजन के साथ खड़ा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि इंतज़ार करें और फिल्म देखें। और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।